नहाय खाय के साथ शुरू हुआ छठ महापर्व शहर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं बड़ी संख्या में छठ व्रती अपने परिवार के साथ घाट पहुंची, जहां उन्होंने रविवार की शाम पूजा अर्चना कर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और पुत्र प्राप्ति समृद्धि की कामना की। छठ पर्व आस्था का महापर्व है और पुत्र संतान के लिए, पति के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। ये ऐसा पूजा है जिसमें डूबते हुए सूर्य को पूजा किया जाता है और अगले दिन उगते सूर्य को पूजा किया जाता है। बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है, वर्ष भर के इंतजार रहता है इस त्यौहार का और बहुत उत्साह और परिवार पूरे इकट्ठा होते हैं और सब मिलजुल के बहुत खुशी हंसी खुशी त्यौहार मनाया जाता है। कब से शुरू किए थे और ये कब तक रहेगा, मतलब क्या? 4 दिन पहले से चालू हो जाता है और 4 दिन रोज एक त्यौहार होता है और मनाते हैं, 4 दिन में कंप्लीट होता है। कितने घंटे का उपवास रहते हैं? ये 36 घंटे का उपवास रहता है। कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ साल में एक बार ये पर्व होता है। मैं ये नागपुर से आई हूँ यहाँ पे ये पर्व मनाने के लिए। मेरी नानी के घर पे ये पर्व होता है और मैं हर साल छठ में आती हूँ क्योंकि इस पर्व का बहुत ज़्यादा महत्व है उत्तर भारत में आप देखेंगे तो, क्योंकि यही एक ऐसा पर्व है जिसमें उगते सूरज को भी अर्घ देते हैं और डूबते सूरज को भी दिया जाता है। दोनों सूर्य के दोनों ही रूपों का इसमें पूजा किया जाता है, तो ये बहुत ही बड़ा पर्व होता है। और मोदी जी ने भी कहा है कि ये राष्ट्रीय पर्व के समान है क्योंकि यही हमारे सनातन धर्म में यही एक सबसे कठिन व्रत माना जाता है उत्तर भारत में।